हेलो, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, हैव अ नाइस डे। हाय माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बनाने वाला एक स्पेशल डिश है। इसके लिए भिंडी चाहिए। भिंडी हम बाजार से लेके आए, 100 ग्राम भिंडी है। उसको पहले वॉश करने का, कैसे वॉश करने का तरीका हम आपको बताएगा। बाजार से कोई भी चीज लाएगा, आप जरा नमक डाल के उसको वॉश करने का। थोड़ा नमक इसमें डाल दिया, अभी इसको अच्छा से वॉश करने का। उसका साथ में हम थोड़ा हल्दी भी ऐड करके अभी इसको अच्छा से वॉश करेगा। हल्दी और नमक मिक्स करके इसके लिए वॉश कर रहे हैं कि हम बाजार से लाया चीज में कैसे भी ये दवाइयां लगा के सब आते हैं, इसके लिए हम इसे वॉश कर रहे हैं। अब हमने ये बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रखा। अभी भिंडी इसमें हम एक्चुअली बनाने वाला है भिंडी का स्नैक्स। ओके, भिंडी हम ऐसे ही डाल दिया। ओके, देखो पूरा ही डाल दिया। इसको थोड़ा कुक होना चाहिए, मतलब थोड़ा पकने चाहिए। ओके, नहीं तो स्नैक्स में कच्चा लगेगा आपको। सो यू हैव टू कुक इट लिटिल। ओके, ये मीडियम फ्लेम में अभी ये हो गया। हम अभी इसको निकालेगा। हमने बताया आपको भिंडी का स्नैक्स बनाने वाला है, इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको हम अभी बताएगा। 2 अंडा है, भिंडी हमने बोला आपको 100 ग्राम, और है नमक टेस्ट के हिसाब से। ओके, और कॉर्नफ्लावर लिया 1.5 टेबल स्पून, और 2 प्याज लिया कट करके, और कुटा हुआ मिर्ची 1 प्याज है, और कुटा हुआ मिर्ची 1/4 टीस्पून, और हमने लिया इसमें 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून हल्दी, और स्प्रिंग ऑनियन 1 छोटा वाला। ओके, अभी अंडा, भिंडी हम ऐसे कट किया जो आपको हमने दिखाया। हम जैसे पानी में उबालने के बाद, ज़्यादा उबालना नहीं, थोड़ा इसके बाद ऐसे स्लाइस जैसे कट कर दिया। ओके, अभी इसको अच्छा से मिक्स करने का। अभी इसको अच्छा से मिक्स करना भी कर सकते हैं। ओके, स्नैक्स भी यूज कर सकते हैं चाय के साथ। ओके, अभी ये हो गया, अच्छा से मिक्स हो गया। हमने अभी पैन रखा गरम करने के लिए। आपको मानते तो इसमें घी भी यूज कर सकते हैं, ऑयल भी। आपको मानते तो बटर, घी, ऑयल, असली घी, जो भी आपको मानते है यूज कर सकते हैं। हम अभी यूज करने वाला ऑयल है। हमने ऐड किया 2 टेबल स्पून ऑयल। ओके, हम ऐसा कहते रहे, हम बोल रहे हमने इसमें थोड़ा कलौंजी ऐड किया। बिना कलौंजी से नहीं पकेगा मेरा खाना। अभी हम ये पैन में ऐड कर दिया। अभी ये 2-3 मिनट ये पकने का, इससे ज्यादा नहीं, क्यों इसमें अंडा है। आपको मानते हैं तो छोटा पैन में भी आप कर सकते हैं, लेकिन टिक ज्यादा हो जाएगा। हमने थोड़ा बड़ा पैन लिया। देखो अभी हमने इसके ऊपर थोड़ा सा और ये फूटी हुआ चिली डाल दिया। ओके, अभी इसको पलटी करने का। अभी हम इसको पलटी कर दिया। अभी हमारा ये भिंडी स्नैक्स तैयार हो गया। अभी इसमें एक और काम है, इसको जरा फ्राई करने का, वो तरीका भी आपको हम बताएगा। इसको अभी कट करके अंडा और ब्रेड क्रम्स में फ्राई करेगा। अभी देखो हम इसको ऐसे कट कर दिया। अभी इसको हम फ्राई करेगा अंडा और ब्रेड क्रम में। अभी वो फ्राई करने के लिए हम लिया ब्रेड क्रम और एक अंडा। उसके लिए हम रखा एक छोटा पैन रखा इसमें, इसने हमने ऐड किया थोड़ा तेल ऐड किया, जो फ्राई करने के हिसाब से थोड़ा तेल ऐड किया हमने।
थोड़ा सा तेल ऐड किया अभी। ओके ये अंडे में हम डिप किया। ओके अभी इसको पैन में तेल के साथ डाल दिया। ये स्लो गैस पे है और इसको ज्यादा कुक भी नहीं करने का, बस वही जो ऊपर का जो ब्रेड क्रम और अंडा पकने का बस। अभी ये हो गया, अभी हमारा भिंडी का स्नैक्स तैयार हो गया। आप इसके साथ ये टोमेटो सॉस है, इसके साथ खा सकते हैं। कोई कोई बच्चे लोग भिंडी नहीं खाते, ये लोग भी खा सकते हैं, खाएगा जरूर खाएगा। ये तो टेस्टी है, यम्मी है, आप एक बार बना के देखो और प्लीज कमेंट में बोलो कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा है। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट बेल आइकन। प्लीज लाइक एंड शेयर, कमेंट प्लीज। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू विथ न्यू रेसिपी एज सून एज पॉसिबल। अल्लाह हाफिज़।